गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्या देखेंगे? लेसन एट। लेसन एट में क्या का नाम क्या था? लेसन एट का नाम था शरीर में गति। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे शरीर में कैसे कैसे गति होती है ना, कैसा कंकाल होता है इसमें, किस अस्थियों के द्वारा, किस संधियों के द्वारा, कौन सी पेशियों के द्वारा इसमें गति होती है ना, और कौन कौन सी इसमें सहायक होती है, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को इनेबल कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो मिल जाए। ठीक है, अब देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बोला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब पहला देखिए क्या बोला है, अस्थियों की संधियां शरीर को खाली स्थान में सहायता करती है। जो संधियां होती है ना, जो संधियां थी वो क्या कर रही थी, हमारे शरीर को गति प्रदान कर रही थी है ना। संधियों की, संधि जैसे मूर्ति है, तो वह क्या करता है, हमारा जो शरीर है वो कैसा करता है, मूव करता है, गति करता है ना। तो जो संधियां है वो हमारे शरीर में गति में सहायता देती है। अब दूसरा है, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का खाली स्थान बनाती है। अब जो अस्थि है और उपास्थि है ना, अस्थियां कौन सी हो गई, अस्थियां कठोर वाली है ना, अस्थियां कठोर, और जो उपास्थि कैसी होती है, मुलायम होती है, लचीली होती है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर का क्या बनाती है, तो हमारे शरीर का क्या बनाएगी, है जो हमारा शरीर का ढांचा होता है, कंकाल होता है, वो कैसे बना होता है, अस्थि और उपास्थियों से बना होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंकाल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, कोहनी की अस्थियां खालिस्तान संधि द्वारा जुड़ी होती है। अब हमने पढ़ा था कि जो कोहनी की संधि होती है वो काय के द्वारा जुड़ी होती है, तो जो कोहनी की संधि होती है उसमें कब्जे होते हैं ना, जो अटैच ऐसे कब्जे होते हैं, तो ये कौन सी संधि द्वारा जुड़ी होगी, कब्जे, कब्जेदार संधि द्वारा या कब्जा संधि द्वारा भी लिख सकते हैं उसे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, गति करते समय खालिस्तान के संकुचन से अस्थियां कैसी होती, खींचती है। जब हम गति करते हैं तो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट संकुचित होता है, तो क्या संकुचित होती है, पेशियां है ना, पेशियां संकुचित होगी तो क्या होता है, अस्थियां खींचने लगती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य तथा असत्य को इंगित कीजिए। हमें अब क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। ठीक है, अब सभी जंतुओं की गति एवं अचल बिल्कुल एक चलन बिल्कुल एक समान होती है। जो सारे जंतु है उनमें जो गति करने की प्रोसेस है और उसमें जो चलने की प्रोसेस है वो एक समान होती है, ऐसा बोल रहा है, तो क्या एक समान होती है, क्या नहीं होती, तो ये क्या है, फॉल्स है, मतलब गलत है। ठीक है, क्योंकि अनेक प्रकार के जंतु अनेक प्रकार की गति और उसमें चलने की जो गति होती है ना, या जो वो चलता है एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो वह क्या अलग अलग तरीके से जाता है ना, कुछ जंतु चल कर जाते हैं, कुछ उड़ कर जाते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ तैरते हैं, तो कुछ कूद कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। जो उपास्थि है, हमने यहाँ देखा है ना, जो उपास्थि होती है तो वो कैसी होती है, मुलायम होती है, और जो अस्थि होती है कठोर होती है, तो यहाँ बोला है कि उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, मतलब गलत आ जाएगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखिए आगे, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। अब जो हमारी अंगुलियां हैं क्या उनमें अस्थियां नहीं होती, तो हमारी अंगुलियों की जो अंगुलियां हैं उसमें अस्थियां होती है, तभी तो वो मुड़ सकती है बीच से, है ना, तो ये भी कैसा है, फॉल्स है, मतलब गलत है। अब देखिए अग्रभुजा में दो अस्थियां होती है, जो आगे की भुजाएं होती है क्या उसमें दो अस्थियां होती है क्या, आगे की भुजा में दो अस्थियां होती है, तो ये कैसा है, ट्रू है, सही है। ठीक है, अब देखिए तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, जो तिलचट्टा होता है क्या उसका बाह्य कंकाल पाया जाता है, आपने देखा था कि उसमें एक स्ट्रांग, मतलब एक बाह्य, एक हार्ड सा दृढ़ कवच पाया जाता है ना, उसका जो कंकाल होता है वो बाह्य कंकाल पाया जाता है, जिससे कि वो आसानी से
उड़ सकता है, ठीक है, तो ये भी सही है। अब देखिए कॉलम एक में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम दो के एक अथवा अधिक कथनों से जोड़िए। अब हमें एक कॉलम दिया गया है जिसे हमें कैसा करना है, मैच करना है इसमें कि एक से अधिक इसमें भी, एक से अधिक में भी यहाँ मैच हो सकता है। अब देखिए कौन सा होगा ऊपरी जबड़ा। अब ऊपरी जबड़ा कौन किस में होता है, ऊपरी जबड़ा किस में होगा, एक्चुअली हम ना पहले इसमें क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो इसमें हमें बहुत आसानी होगी। क ख ग घ, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम अच्छे से इसे लिख सकते हैं, ये इसका हम पैर बना सकते हैं, है ना। अब इससे हमें बहुत आसानी होगी, है ना। अब जो ऊपरी जबड़ा है, तो ऊपरी जबड़ा क्या है, शरीर पर पंख है क्या, नहीं, बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है, एक अचल संधि है, हृदय की सुरक्षा करती है, बहुत धीमी गति से चलता है या का शरीर धारा रेखीय होता है। अब क्या होगा इसमें से, हमने पढ़ा था कि जो ऊपरी जबड़ा है वो क्या होती है, अचल संधि होती है ना, जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है, जैसे हमने अपने मुंह को खोला था, है ना, तो और कपाल को बंद किया था खोलने और बंद करने की, तो ये क्या होता है, मूव करता है क्या, तो ये कौन सी संधि, अचल संधि, ये गति करती है क्या, नहीं, तो पहले का कौन सा आ जाएगा, फोर्थ वन आ जाएगा, ठीक है, तो हम इसकी इससे पैर बना देते हैं। अब देखिए जो मछली है, मछली का जो शरीर होता है वो कैसा होता है ना, मछली कैसी होती है, बिल्कुल अभी हमने लेसन 8 के लास्ट में ही पढ़ा था, जब मछली की गति हो रही थी, तो मछली क्या करती है, बिल्कुल ऐसी चलती है जिससे जिससे कि क्या होता है, उसका जो मुंह होता है वो एक दिशा में, और जो उसकी पूंछ होती है वो कैसी होती है, अलग डायरेक्शन में, उसके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में रहती है, ठीक है, तो ये क्या हृदय की सुरक्षा करती है, धीमी गति से चलती है, नहीं, बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ती है, शरीर पर पंख होते। अब इसमें क्या आएगा, जो मछली है उसका शरीर है वो कैसा होता है, धारा रेखीय होता है, ठीक है, तो हम इसे मैच कर लेंगे, ठीक है। अब बोला है पसलियां, ठीक है, अब हम देखेंगे कि पसलियां कैसी होती है। अब पसलियां क्या करती है, पसलियों के अंदर जो जो पिंजरा बना होता है ना, एक तो उसमें क्या होता है, हमारा हार्ड होता है, जो हृदय होता है ना, तो पसलियां हमारे हृदय की क्या करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है, तो इसका यह आ जाएगा, हृदय की सुरक्षा करती है। अब जो घोंगा है, घोंगा क्या करेगा, जो घोंगा है वह क्या करता है, शरीर पर पंख होते हैं, बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है, यह बहुत धीमी गति से चलता है, तो हमें जब घोंगा का क्रियाकलाप करके देखा था, तो वह क्या कर रहा था, बहुत ही धीमी गति से चल रहा था, ठीक है। अब तिलचट्टा, अब क्या बज गया, तिलचट्टा बज गया, तो जो तिलचट्टा है वो क्या करेगा, उसके शरीर पर पंख होते हैं, है ना, वह उड़ भी सकता है, चल भी सकता है, और क्या कर सकता है, चढ़ भी सकता है ना। अब तिलचट्टा के शरीर पर पंख भी होते हैं, है ना, और तिलचट्टा का बाह्य कंकाल भी होता है क्या, हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि तिलचट्टा में बाह्य कंकाल भी पाया जाता है, जो उसकी उड़ने में मदद करता है, और यह हवा में भी उड़ सकता है, तो इसका जो रिलेशन ही यह तीनों के साथ है, एक से अधिक में बोला था, तो ये तीनों के साथ सिर्फ तिलचट्टे का ही मैच होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, है ना, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके हमें उत्तर देने हैं। पहला है कंदुक खल्ली का संधि क्या है, अब हमने देखा था फर्स्ट में ही पढ़ा था कि कंदुक खल्ली का संधि कौन सी होती है, तो कौन सी होगी, देखिए हमारे बॉडी में क्या दो अस्थियां होती है ना, जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा, एक रबर की बॉल ली थी, है ना, कागज की सीट ली थी जिसका हमने बेलन बनाया था, है ना, और एक लिया था कटोरी जिसमें हमने वो बॉल में छेद किया था, उसमें हमने उस बेलन को डाला था और कटोरी में घुमाया था, है ना, तो ये कंदुक खल्ली का उदाहरण था। तो क्या हो गया, दो अस्थियां उसमें मिल गई, दो अस्थियों की ऐसी संधि जिसका
जिसमें जो एक अस्थि होती है वो कैसी होती है, संधि बनाने वाले सिरा को के समान गोल होती है। जो संधि एक अस्थि कैसी होती है, गोल होती है ना, जैसे हमारे बॉडी में जहाँ यहाँ अटैच है ना, तो एक कैसी होगी, गोल होगी, और एक बेलन क्या करती होगी, है ना। और जो दूसरी संधि होती है वो कैसी होती है, गड्ढा वाला भाग होता है ना, गड्ढे वाला भाग होता है जो कि उसके अंदर अटैच हो जाता है, जिससे पहली अस्थि का गोल सिरा उसकी दिशा में घुमा घूम सकता है। ठीक है, हमने जैसे बॉल में गड्ढा किया था और बेलन को डाला था, कटोरी में रखा था, उसे घुमाया था, तो वह पूरी दिशा में घूम गया था। तो क्या लिखेंगे कि दो अस्थियों की वह संधि जिसमें एक अस्थि का संधि बनाने वाला सिरा, जो एक अस्थि का जो संधि बनाने वाला सिरा था, जो संधि बनाना मतलब जो जॉइंट बनाने वाला जो सिरा था, वह गेंद के समान होगा, गेंद के समान गोल होगा, और दूसरा कैसा होगा, दूसरा अस्थि का सिरा कैसा होगा, गड्ढे के समान होगा, है ना, जिससे कि वह जॉइंट हो जाए। और जिसमें पहली अस्थि का गोल सिरा सभी दिशाओं में घूम सकता है। अब जो पहली अस्थि का गोल सिरा था, है ना, पहली अस्थि गोल है, ठीक है, और दूसरी अस्थि गड्ढे के समान है, तो क्या गड्ढा हिलेगा क्या। तो जो गोल वाली अस्थि हो जाती है वह सभी दिशाओं में घूम जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, कंदुकली का संधि कहलाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहली संधि, पहली अस्थि कैसी होगी, इसकी गोल होगी, है ना, और दूसरी दूसरी कौन क्या होगी, ये होगी गड्ढे के समान, है ना, ये बॉल के समान होगी, गेंद के जैसे होगी, और ये होगा गड्ढा, ठीक है। अब ये दोनों जो ये वाली अस्थि और ये वाली अस्थि जब क्या होगी, जैसे ये बॉल हो गया, ये ऊपर कटोरी हो गई, यहाँ पर ये क्या है, छेद है ना, एक गड्ढा है। अभी हमने ये बेलन को डाल दिया, जब हम इस बेलन को घुमाएंगे तो ये घूमेगी, तो ये क्या हो गई, कंदुकखल्ली का संधि हो गई, ठीक है। अब देखिए, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। अब जो कपाल है उसकी कौन सी संधि गति करती है, जैसे हम इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन सी संधियां थी, हमने जैसे पढ़ा था, जैसे कि हमारी कंधे की अस्थि है ना, पढ़ा था हमने कंधे की संधि, जो हमारा कंधा होता है, तो क्या होता है, एक में एक गोल होता है, गोल होती है उसकी एक अस्थि, और दूसरी कैसी होती है, बेलन के समान होती है, मतलब गड्ढे वाली होती है, और एक लिख सकते हैं हम काय की, चूल्हे की, ठीक है, चूल्हे की संधि, इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा है, कहीं और से नहीं लिख रहे, ओके। अब देखिए, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। अब जो हमारा कपाल है ना, तो उसकी कौन सी संधि गति करती है, जो हमारा ये पूरा कपाल है ना, जो फेस है, उसकी चेहरा चेहरा पूरा बना हुआ है, तो उसकी कौन सी अस्थि गति करेगी, ठीक है। हमारा ऊपर का पार्ट गति करता है क्या, नहीं। तो हमारा जो मुंह वाला भाग होता है, चेहरे के नीचे जबड़े वाला जो भाग होता है, वो क्या करता है, गति करता है। तो हमें क्या लिखना है कि कपाल के कपाल के चेहरे की तो जो निचला जबड़ा होता है, ठीक है, जो निचला जबड़ा होता है, जबड़े की अस्थि गति करती है, ठीक है। अब देखिए, तीसरा क्या है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। अब जो हमारी कोहनी है वह पीछे की ओर क्यों क्यों नहीं मुड़ सकती। हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें कि हाथ में क्या बांधा था उसने, कुछ पट्टी बांधा था, है ना, कुछ स्लेट बांधा था, जिससे कि उसने क्या किया था, जब वह अपने कोहनी से हाथ को मोड़ना चाह रहा था तो वह नहीं मोड़ सक रहा था। क्यों नहीं मोड़ सक रहा था, क्योंकि कोहनी में कौन सी संधि होती है, कब्जा संधि होती है ना, जो कि एक ही दिशा में मुड़ सकती है, जो एक ही ओर मुड़ सकती है ना, एक ही दिशा में मुड़ेगी। जब हम अपने हाथ को ऐसा मोड़ सकते हैं ना, इधर मोड़ सकते हैं, अपने कंधे को छू सकते हैं,
पर क्या हम कोहनी को मोड़कर ऐसे कंधे के पीछे वाले भाग को मोड़ सकते हैं क्या? नहीं मोड़ सकते, है ना। क्यों क्यों नहीं मोड़ा जा सकता? क्योंकि इसमें कौन सी संधि पाई जाती है? कब्जा संधि पाई जाती है, कब्जा संधि, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, जैसे दरवाजा है ना, दरवाजे दरवाजे में जो कब्जे लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, दरवाजे को आगे और पीछे खुलने में मदद करते हैं। पर क्या हम उसे अपोजिट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं? क्या नहीं घुमा सकते, वो किसी एक दिशा में ही घूम सकता है। तो वैसे ही हमारे कोहनी की भी अस्थि है, ठीक है। तो आपको समझ तो आ ही गया होगा, है ना। चलिए अब क्या करना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।